सुबह के 4 बजे वी आर एट द एयरपोर्ट। चलो अमित भाई थैंक यू सो मच यार, इस बार रोना नहीं इस बार तो सो रहा हूं। गाइस फाइनली आई एम इन डैलस यूनाइटेड स्टेट्स। ईमान यार, ईमान तू छुप के क्या पैकिंग कर रही है, कहाँ जा रही है? ईमान मैं अभी आया हूँ, तो जा रही है? जा रही हूँ, पाकिस्तान जा रही हूँ। पाकिस्तान जा रही है, मुझे पता ही नहीं है। जाओ जाओ और जाओ घूमने। ईद पे जा रही हूँ यार, ईद पे ना जाऊँ मैं? मिक्स फीलिंग्स, मैं किसी को छोड़ के जा रही हूँ पीछे। एक्चुअली ये तेरा वेकेशन नहीं है, ये मेरा वेकेशन है। A mother never has a vacation, by the way. यहाँ तो 2-in-1 हो रहा है, मूवी भी चल रही है, एक्टिविटीज भी हो रही है। What's up guys, welcome back to another vlog. This is your boy Eddie. इस वक्त I'm leaving Canada onwards to my next destination. और आप मेरे साथ रहें, I'll let you know where I'm going. सुबह के 4 बजे वी आर एट द एयरपोर्ट। चलो अमित भाई थैंक यू सो मच यार, इस बार रोना नहीं इस बार तो सो रहा हूँ। तो यार चेक इन हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन और गेट्स की तरफ। ऐसा लग रहा है पूरे एयरपोर्ट में सिर्फ आज हम लोग की फ्लाइट है। हाँ तो इमिग्रेशन हो गया, चेक इन हो गया एंड नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई गेट। उससे पहले देखते हैं कहीं लाउंज दिखे तो कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं, अदरवाइज वील हेड डायरेक्टली टूवर्ड्स द गेट। तो मैंने अपनी ऐप में चेक किया, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक लाउंज है, एस्पायर लाउंज, जस्ट कवर्ड इन माय क्रेडिट कार्ड। सो वील जस्ट हेड टुवर्ड्स द लाउंज, वील सी इफ वी कैन गेट सम क्विक ब्रेकफास्ट एंड रिलैक्सिंग टाइम। यहाँ पर तो स्लीपिंग पॉड्स भी है, वाजपा तो यूजुअली लाउंज में सब लाउंजेस स्लीपिंग पॉड्स कवर नहीं करते हैं, यहाँ पे है। तो यार फ्लाइट का टाइम हो गया है, गेट की तरफ जाते हैं। लाउंज में थोड़ा बहुत खाया और ज़्यादा आराम किया क्योंकि इट्स एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, पूरी रात में जाग रहा था घर पे, 3 घंटे पहले यहाँ पहुँचना था। Guys, finally I'm in Dallas, United States. इस वक्त मैं डैलस एयरपोर्ट पे हूँ। बहुत थकन हो गई, पूरी ओवरनाइट फ्लाइट थी कैलगरी से, तो बस मैं अभी घर जा रहा हूँ, आराम करता हूँ।
डैलस में हम लास्ट वीक आ गए थे और इस बार हम लोग कुछ शॉपिंग कवर करेंगे, घर जाना है वापस, तो कुछ चीज़ें शॉपिंग के लिए उठाने हैं। एंड द बेस्ट प्लेस टू डू सम काइंड ऑफ शॉपिंग इज़ टू फाइंड दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स जहाँ पे देर आर मल्टीपल शॉप्स एंड यू गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ओवर हियर। Alright guys, so welcome back to Abu Dhabi. आप लोग ये सोच रहे हो कि अचानक से ये कैसे मैं US से सीधा अबू धाबी में आ गया। तो सीन कुछ ऐसा था कि जैसे मैं डैलस में लैंड हुआ, मुझे थोड़ा सा बैक पेन शुरू हो गया था, फिर बाकी के काम यहाँ वहाँ घूमना फिरना ये सब कर रहा था, लेकिन मुझे वो पेन बढ़ता जा रहा था। यू नो वॉट दे से दैट इफ योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग यू शुडंट इग्नोर इट। तो यही हुआ कि डैलस के अंदर मेरी अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कुछ भी करते करते मैं UAE पहुंचा और द वेरी नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा पेन हो गया लोअर बैक में। आई हैड टू रश टू द हॉस्पिटल जहाँ पे मेरा अर्जेंट ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने किया, जिसमें ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, बल्जिंग डिस्क जिसको कहते हैं वो प्रॉब्लम हो गया था। मैं इसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ देता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका अपनी US की ट्रिप के अंदर। बट वेल आई एम बैक हियर नाउ इन द UAE एंड वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मेरी ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है और देर आर लॉट ऑफ प्रिकॉशंस जो कि मुझे डॉक्टर ने लेने को कहा है, तो आई एम गोइंग टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल कीप यू गाइस ऑल्सो एंटरटेन्ड। वन इटर्निटी लेटर। तो यार पता नहीं सब है कहाँ लोग। अमल, इमाद, पता नहीं सब है कहां पे। ईमान यार, ईमान तू छुपके क्या पैकिंग कर रही, कहां जा रही है? ईमान मैं अभी आया हूं, तू जा रही है? जा रही हूं, पाकिस्तान जा रही हूं। यार इतनी क्या नाराजगी की, तू पाकिस्तान जा रही है? मुझे पता ही नहीं है। जाओ जाओ और जाओ घूमने। ईद पे जा रही हूं यार, ईद पे ना जाऊं मैं? यार तो मुझे भी लेके जा ईमान। क्यों, मुझे ले गए थे? पैकिंग हो गई? हाँ, जा रही हूँ मैं मम्मी के घर। तो यार सीन ऐसा है कुछ के ईमान और बच्चे पाकिस्तान जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट वीक ईद है। जब तक ये ब्लॉग आएगा ऑलरेडी ईद हो चुकी होगी, लेकिन नेक्स्ट वीक ईद है और ईमान और बच्चे अपने नाना नानी के घर पे जा रहे हैं कराची, और मैं यहीं पर ही हूँ क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर ने फॉरेन ट्रैवल करने का तो मना किया है, प्लस मेरा ऑफिस वगैरह का काफ़ी काम है। तो आई डोंट नो क्या प्लान बनता है एंड में, लेकिन इस वक्त तो ये प्लान है कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। Who is excited to meet me? Where's Imad? Imad, are you excited? No. He's also excited. No means yes. Iman. Mixed feelings. Kyo mixed feelings? Excited, of course. Kyunki main apne parents se mil rahi hoon. बट मिक्स फीलिंग इसलिए कि मैं किसी को छोड़ के जा रही हूँ पीछे। किसको छोड़ के जा रही पीछे भाई? बच्चे तो तेरे साथ है। एक है जो बहुत खुश है अंदर से। एक्चुअली ये तेरा वेकेशन नहीं है, ये मेरा वेकेशन है। आई नो, अ मदर नेवर हैज अ वेकेशन बाय द वे, व्हेयरएवर यू आर। ऑलराइट, तो फाइनली ईमान और बच्चों का चेक इन हो गया है, मैं उन लोग को गेट की तरफ ड्रॉप करके आया हूँ। नाउ आई एम गोना गो बैक होम। आई एम जस्ट अ बिट नर्वस बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब ईमान बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही है, और बच्चे बहुत कभी कभार देर फाइन, बट कभी कभार बहुत हाइपर हो जाते हैं। प्रे के आई जस्ट होप कि वो सही तरह बिहेव करे और ईमान के लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करे। आई विल सी यू बैक इन अ। हाय, हेलो फ्रॉम दिस साइड। सो इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं कभी दोनों बच्चों के साथ कहीं जा रही हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम एवर ट्रैवलिंग विद दीज टू,
without Adnan. अभी तक तो experience सही जा रहा है, but इनकी demands खत्म नहीं होते. No, gate is there, beta. Oh my God, I think the boarding has begun. Guys, the boarding has begun. Just see. No, we're on time. But अगर थोड़ा late होता ना, तो हम miss कर जाते. Going to Karachi. Yay! अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप जा रहा है. Both the kids are so well behaved. अमल एक्चुअली उस एज पे आ गई है जहाँ पे वो अपना यू नो एंटरटेनमेंट खुद ढूंढ लेती है. सो लाइक शी इज वॉचिंग हर मूवी. Amal, what movie are you watching? Frozen. She's watching Frozen. And Imad bhai saab, what are you doing? What are you doing? Are you playing? Yes. Yeah. He's playing. Look. Fully engaged. Yahan to 2-in-1 ho raha hai. Movie bhi chal rahi hai. Activities bhi ho rahi hai. What is this? What is this? This is a picture with two aeroplanes and you need to spot 10 differences between the two pictures.